रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लघु कथा हीरा लेखन और वाचन रावल प्लेबैक इंडिया प्रीति जब से घर में दुल्हन बनके आई थी पूरा वातावरण खुशगवार हो उठा था सबका ध्यान रखना बड़ों का सम्मान करना घर के कामकाज पर पूरी तरह से संलग्न होना उसे खुद पसंद था इस महल में आई ही थी वो अपने गुणों के खजानों के साथ शिक्षक की बेटी थी प्रीति उसकी ननद ने ही उसे भाभी बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसके ससुराल प्रीति के घर के पास ही थी उसे पता था उसके इकलौते घमंडी भाई से प्रीति ही निभा सकती थी प्रीति के माता पिता भी खुश थे इतने संपन्न परिवार में बिटिया के ब्याहने पर प्रीति जब जब आती गहनों से लंदी फदी उसका सौंदर्य चार गुना बढ़ जाता प्रीति को गहनों से खास लगाव न था पर संपन्न घर की बहू थी इस पर अतुल को गहनों से बड़ा मोह था सो उसकी खातिर प्रीति हर समय दमकती रहती लेकिन आज रुआंसी बदहवास खड़ी थी अतुल के पास और अतुल खूब खरी खोटी सुना रहे थे उसके पिता को अपमानित कर रहे थे जता रहे थे जैसे कोई एहसान तुमसे एक चीज भी नहीं संभलती कभी देखा भी था हीरा बाप के घर में कितने शौक से लाया था सोचा था गरीब घर की लड़की इसे पहनकर खुश हो जाएगी पर तुम्हारी औकात ही नहीं थी वो पहनने की प्रीति बस ढूंढती हूँ कह पाई आंखों से आंसू बह रहे थे कलेजे के टुकड़े जो हो गए थे अतुल के माता पिता असली हीरे को पहचानते थे पर अतुल के गुस्से के आगे वे बेबस थे प्रीति इधर उधर बदहवास ढूंढ रही थी नेकलेस में जड़े उस बड़े से हीरे को जिसने उसे बेहद अपमानित किया था भाभी जी इधर देखिए आपका तो नहीं ड्राइवर राजू के हाथ में हीरा जगमगा रहा था, पर वो था पर भी अनजान प्रीति की तरह इस नग के होने पर अतुल ने लपक कर उसके हाथों से ले लिया कहाँ मिला राजू तुझे ये भैया जी गाड़ी की सफाई कर रहे थे उसी में देखा तो लगा भाभी जी का होगा प्रीति की जान में जान आ गई पर नेकलेस से अलग हुए हीरे की तरह टूट चुकी थी हीरा तो शायद नेकलेस में फिर जड़ ही जाएगा टूटे दिल में अतुल के प्रति प्रेम सम्मान कैसे जड़ा जाएगा बूढ़े सास ससुर सोच रहे थे